चैम्बर ऑफ कॉमर्स लिमिटेड की ओर से दीपावली के पावन पर्व पर दिवाली मिलन का आयोजन किया गया था। हर साल की तरह इस साल भी शहर के नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स लिमिटेड की ओर से शहर के महाराज बाग क्लब लॉन में दीपावली के पर्व पर NCCL अवार्ड सत्कार समारोह एवं दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में विठोबा ग्रुप के सुदर्शन शेंडे को उद्योगी क्षेत्र में अच्छे काम करने हेतु पुरस्कृत किया गया। साथ ही शहर प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी रितेश मोदी को व्यापारी क्षेत्र के लिए और सेवा क्षेत्र के लिए CA पंकज अग्रवाल को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान चैम्बर के पूर्व अध्यक्षों का स्वागत किया गया, साथ ही चैम्बर से जुड़े विभिन्न एसोसिएशन के अध्यक्षों का भी स्वागत एवं सम्मान किया गया। जित सारे गणमान्य व्यक्ति, कैलाश जी यहाँ उपस्थित होने पर मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं इस संस्था के बारे में बचपन से जानता हूँ, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स में पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन एक दिन इसी के ज़रिए मुझे कोई अवार्ड दिया जाएगा ये मेरे लिए एक सपने जैसा है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों ने मुझे चुना, मुझे निर्वाचित किया इस बारे में, और आपके दिए हुए आशीष और आपके दिए हुए मार्गदर्शन में हरदम ध्यान रखूँगा। और इसी तरह मैं चाहूँगा कि ग्रुप की तरक्की और प्रोग्रेस होती रहे। थैंक यू सर। बुजुर्ग श्री कैलाश जी डिंडवानिया जी, मेरे बड़े भाई कैलाश जी जोगानी जी, गोविंद पसारी जी, तरुण भैया, विजय भैया, दीपेन भाई मेरे बड़े भाई जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, NCCL ने जो अवार्ड देके सम्मानित किया है, सबसे पहले तो मेरी बीवी को ही भरोसा नहीं आया। कहती है कि तुमको लोग अवार्ड देते क्यों हैं, तुमने ऐसा किया ही क्या है। तो मुझे भी कई बार लगता है, क्योंकि बचपन से मैं जब स्ट्रगल करा 14 साल की एज से बिजनेस में लगा, तब मुझे नहीं पता था कि 14 साल की एज में चाइल्ड लेबर भी कुछ एक्ट होता है। वो तो बिजनेस करते करते पता चला कि 14 साल की उम्र में काम करना गुनाह है। लेकिन पापा की स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशंस, और ये समय जो है ना सबसे बड़ा टीचर है, सबसे बेस्ट है, इससे अच्छे स्कूल कोई नहीं है। और ये लाइफ टाइम सिखाता है, ऐसा नहीं कि आपके बुरे वक्त, आपके अच्छे वक्त भी सिखाता है। नमस्ते और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस अवार्ड फंक्शन में मुझे और नलिनी अग्रवाल को सर्विसेज सेक्टर में NCCL अवार्ड दिया गया है, इसके लिए मैं NCCL का बहुत आभारी हूं। दोस्तों, KC ओवरसीज़ हम दोनों ने, मैंने और नलिनी ने 25 साल पहले बहुत छोटे रूप में शुरुआत की थी। एक दो स्टूडेंट्स को विदेश में पढ़ने भेजा था, तब हमने सोचा भी नहीं था कि हम इतनी दूर तक आ जाएंगे। आज KC ओवरसीज़ 31 कंट्रीज़ में 750 यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए भेजती है। KC ओवरसीज़ ने पिछले 25 सालों में करीब इंडिया से 80,000 बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा है। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन 11 देशों में करीब 65 ऑफिसेज़ हैं। आज का ये अवार्ड मैं हमारी कंपनी के 900 एम्प्लॉइज़ के बिहाफ में लेता हूँ। ये अवार्ड इन एम्प्लॉइज़ की मेहनत का नतीजा है। आप सभी की शुभकामनाओं से हम लोग KC ओवरसीज़ में के माध्यम से बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजकर उनके सपनों को साकार करने में योगदान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज इस अवसर पे दीपावली स्नेह सम्मेलन पे मेरी यही सबके प्रति शुभकामना है, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ पे सब विराजमान करेंगे। जैसे जैसे लक्ष्मी दूर होती जाती है, वैसे वैसे सब लोग दूर होते जाते हैं, खुद की छाया भी दूर होने लगती है। तो आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामना। मंच पे आसीन सुशोभित NCCL के प्रेसिडेंट मेरे अजीज दोस्त गोविंद जी पंसारी, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट जो मेरे नाम राशि भी हैं और मेरा नाम कई बार हुआ है उच्चारित, तो कैलाश जी जोगानी और सचिव जी, बहुत ही दीपावली के एक बार पुनः अपनी तरफ से, ग्रेट वाइट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। ग्रेट वाइट और व्यक्तिगत रूप से मैं खुद बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि चैम्बर ने ग्रेट वाइट को और मुझे इस काबिल समझा कि हमें यहां पे आमंत्रित किया। आज मैं खाली इतना ही बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ चैम्बर को, हम बहुत सारे हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अभी इस श्रेणी के अंदर मंचा सिंह मेरे
यंग जो है वो इंटरप्रेन्योर सुदर्शन जी बैठे हुए हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आ गए। इंडस्ट्री का यह दायित्व होता है कि इस तरह की जो बिजनेस बॉडीज होती है, जो एसोसिएशंस होती हैं, उनको पोषित करें, उनका समर्थन करें और उनको वक्त ज़रूरत पे अगर काम आए तो उनके साथ में खड़ा रहना चाहिए। मैं ग्रेट व्हाइट की तरफ से आज एनसीसीएल को ये आश्वासन देता हूँ कि जब भी एनसीसीएल हमें पुकारेगी, हम उनके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, बीसीएन न्यूज़, नागपुर।